तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो पिछले वाले प्रॉब्लम किए थे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू टू द एंगुलर मोमेंटम एल, मतलब म्यू अपॉन एल की कैलकुलेशन करनी है। और साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, मतलब ये कह रहे हैं कि म्यू अपॉन एल निकालो और वो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। और हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन के लिए ये ट्रू है, ये एक ट्रू वैल्यू है। किसके लिए? जब बोर थियरी वैलिड है। बोर थियरी किसके लिए वैलिड है? एटम और आयन जो जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। तो सबसे पहले हम म्यू निकालेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल, करेंट और एरिया ऑफ द कॉयल। आई होप ये मैग्नेटिज्म में आप पढ़े होंगे कि अगर एक कॉयल है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है और सेंटर से रेडियस आर है, तो उसकी एरिया बनेगी पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो करंट बन रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रही है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वजह से ऑर्बिट में जो करंट बन रही है और उस करंट की कैलकुलेशन से ही है। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स वन आ गया, और यहाँ से करंट की जो वैल्यू होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ क्यू अपॉन टाइम टी, और यहाँ से ई एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करंट ई एफ और एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ई एफ पाई आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, किसी भी ऑर्बिट का हो, हम लोगों को नहीं पता, वो जनरल सभी के लिए सही होगा। चलो दूसरा, एंगुलर मोमेंटम निकालो। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर होता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम एम और वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी की वैल्यू हम सबको पता है कि वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट, और ये आता है जेड अपॉन एन, और रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। एंगुलर मोमेंटम आ गई यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। और ये म्यू था, तो इसका मतलब हमें म्यू अपॉन एल चाहिए। तो म्यू अपॉन एल इज इक्वल टू ई एफ और पाई आर स्क्वायर रेडियस और डिवाइडेड बाई एम बी आर। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी के टर्म में रख दूँ तो मेरा प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबको पता है कि टाइम पीरियड होता है टू पाई आर, जनरल किसी भी रेडियस की, लीनियर स्पीड भी। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो स्पीड भी इज इक्वल टू टू पाई आर के इक्वल आ जाएगी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो आ गई, ये मैं इधर ला के रख दूंगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा ई एफ, एफ नहीं रखना ना, एफ की वैल्यू रखनी है। तो ई यहाँ से ई और एफ की वैल्यू रख दूँ, लीनियर स्पीड भी और टू पाई आर, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर ऊपर था और नीचे था एम वी आर। तो भी ने भी को ख़त्म कर दिया, पाई ने पाई को ख़त्म कर दिया, और यहाँ से ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ बच गया ई अपॉन टू एम। ठीक है, ये तो अगर ये अगर अच्छे से देखोगे तो म्यू अपॉन एल तो ई अपॉन टू एम, ये एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। अब अगर ये यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो अब पूछा गया है। सॉल्व तो यही हो गया, पर एक्चुअल में ये वैल्यू भी तो चाहिए। तो अगर न्यूमेरिकली देखोगे तो म्यू अपॉन एल, ई की वैल्यू डाल दो, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ और डिवाइडेड बाई टू, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो फाइनली जो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8.8 × 10⁻¹⁰ ये आ जाएगा कुलाम पर केजी। दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी है, यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी दिख रहा है।